एक मिनट रुको, वी आर लाइव। नमस्कार आप सभी को, नमस्कार श्रोता। अभी भूपेंद्र जी प्रणाम आपको, बहुत सादर प्रणाम। तो हम लोग 5 मिनट पहले ही आ गए, फिर भी शायद कुछ लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गणपत राम जी जुड़ गए हैं, गणपत राम गर्ग जी, अर्चना शरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत स्वागत है आप लोगों का, और उम्मीद है कि आगे श्रोता जुड़ेंगे हमारे साथ। आज की शाम हमारे लिए बहुत खास शाम है, और उसके कई कारण हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा उसके क्या कारण है। सबसे पहली बात तो ये है कि आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, उसके उपलक्ष में सबको बधाई देना चाहता हूं मैं, और अनुगूंज के तरफ से हमारे सारे मेंबर्स को, हमारे सारे श्रोताओं को, और पूरे विश्व में जो भी हिंदी के कद्रदान हैं उनको। जी, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाइयां सब लोगों को आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की। जी, दूसरी बात यह है कि आज अनुगूंज के लिए बहुत ही शुभ अवसर है, शुभ दिन है, और क्योंकि आज हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या 5,000 को पहुंच गई है, 5,000 हमने टच किया आज, इसलिए बहुत ही बधाई है सबको। निवेदिता जी आपको भी बधाई, और सारे अनुगूंज के जितने भी मेंबर्स हैं उनको बधाई है, कार्यकारिणी टीम उसको बधाई है, एडवाइजरी टीम सबको बधाई हमारी तरफ से, और आगे भी इसी उत्साह और इसी स्नेह के साथ जुड़े रहें अनुगूंज के साथ, यही हमारी आपसे प्रार्थना रहेगी। जी निवेदिता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी। सो मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, और एक एक सदस्य को बहुत तहे दिल से आभार है हमारा कि आप लोग अनुगूंज से जुड़े, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हम लोगों ने मार्च महीने में इस ग्रुप को क्रिएट किया था और अनुगूंज नाम दिया था, और इतने कम समय में, अभी उस चीज को एक साल भी नहीं हुआ, ठीक है, अनुगूंज की का वार्षिकोत्सव हम मना रहे हैं, क्योंकि हमने ऑनलाइन प्रोग्राम्स जनवरी में स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन जो फेसबुक ग्रुप में जो हमारी आइडेंटिटी मिली थी वो हम लोगों ने मार्च में क्रिएट किया था, और उसको अभी एक साल भी नहीं हुआ, और इतने कम समय में, मतलब मैंने तो नहीं देखा कि किसी ग्रुप में इतने सारे सदस्य जुड़ गए हों, और इस चीज के लिए हम सब आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। एक एक सदस्य को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ हमारे पूरे अनुगूंज के कार्यकारिणी सदस्यों की तरफ से, कि आप लोगों ने अनुगूंज को जो जिस मकाम तक पहुंचाया है, जिस मुकाम तक पहुंचाया है, ये अविश्वसनीय है, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद भूपेंटी को जी मुझे बोलने का अवसर देने के लिए, क्योंकि मैं बहुत उत्साहित थी ऐसी कुछ बात बोलने के लिए। अरे नहीं, देखिए ये इसका जो सबसे बड़ा श्रेय जो है, हमने मजरू सुल्तानपुरी साहब का शेर जो है मुझे याद आ रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, आप को ये तो पता ही होगा कि मार्च में, जैसे निवेदिता जी ने कहा, मार्च में ये ग्रुप की स्थापना हुई, पहले दूसरे नाम से था, फिर अनुगूंज हमने नाम रखा इसका, और उसके बाद से जिस स्पीड से, जिस गति से इसमें आप श्रोताओं का और मेंबर्स का स्नेह, उत्साह, उल्लास जो मिला है, तो वो बिल्कुल अविश्वसनीय है, मैं इतना कह सकता हूँ। और इसका जो श्रेय हमारी संस्थापिका श्रीमती निवेदिता चक्रवर्ती को जाता है, एक एक सदस्य को जाता है भूपेन जी, एक एक कार्यकारिणी सदस्य को जाता है, सबको इसका श्रेय जाता है। और मेरे फादर साहब आज स्वर्गीय श्री मानिक घोषाल जी आज मेरे साथ हैं इस कार्यक्रम में, और मैं उनको लेकर के बैठी हुई हूँ, इनका आशीर्वाद, माँ शारदे का आशीर्वाद, इन सबको श्रेय जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने,
और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ अपने जो मेरे हमारे साथ श्रोता जुड़े हुए हैं, खैर मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, आप शायद देख पा रही हैं। जी श्रोताओं के लिए मैं कह दूं कि कहते हैं कि जो जन्म होता है वो जन्म इज एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ कहते हैं अंग्रेजी में। ये जन्म लेने वाले को पता नहीं होता कि कहाँ जन्म होगा उसका, कौन माँ बाप होंगे वो नहीं चुन सकता या चुन सकती। और कभी कभी ऐसा ऐसा एक करिश्मा हो जाता है, एक मौजजा हो जाता है कि जहां वो जन्म लेना चाहता है वो आत्मा या वो व्यक्ति जो उसने शायद कल्पना की होगी अपने जन्म लेने से पहले कि मुझे ये पेरेंट्स या माता पिता मिले हैं, तो वो वही जन्म लेता है। ऐसा बहुत कम होता है और ऐसा मुझे लगता है कि सदियों में होता है और कई बहुत कम केसेस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। हमारे जो संरक्षक अनुगूंज के स्वर्गीय श्री मानिक गोशाल जी, आज उनका जन्मदिन 10 जनवरी, हम यहाँ उसी उपलक्ष्य में उपस्थित हैं। और उन्होंने जो जो छोटा सा बीज लगाया बहुत साल पहले, उन्होंने एक स्थापना की थी एक संस्था की पारिजात नाम से, जो कि कवि गोष्ठियां और बाकी साहित्यिक काम बड़े हर्ष और बड़े उल्लास से करते थे। उसमें उसका अंकुर आज फूटा है पूरी तरह से और वो एक पूरा फलदार वृक्ष हम कहें तो बन गया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अगेन मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा श्रीमती निवेदिता चक्रवर्ती जी का, जिन्होंने उस सपने को साकार करने में कदम ब कदम आगे बढ़ती गई। बहुत सी मुश्किलें आई, बहुत से कष्ट आए, लेकिन वो पीछे नहीं हटी और आज हम अपने पेट्रन संरक्षक स्वर्गीय श्री मानिक गोशाल का जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात कह दूं, हमारा जो एक कार्यक्रम जिसकी हमने शुरुआत की थी उसके बारे में निवेदिता जी आपको बताएंगी, वो भी ये कार्यक्रम उसी कार्यक्रम की एक कड़ी समझ लीजिए, उसी में हम कर रहे हैं। हालांकि स्वर्गीय मानिक गोशाल हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी रूह और उनकी स्पिरिट हमारे साथ इस टाइम है। और मुझे उम्मीद है दादा बहुत खुश होंगे, ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे हमें। जी जी, तो रिश्तों की बात अनुगुंज के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाह रहे थे जनवरी से। मैं बहुत पहले से ही इस चीज के बारे में आप लोगों के साथ बात कर रही थी दिसंबर के महीने से, और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी बात कहने से पहले कुछ लोगों को स्वागत करना चाहती हूँ। हमारे जी जरूर साथ गणपत राम जी हैं, अर्चना शरण जी हैं, मोनिका चावला कपूर जी जुड़ गई हैं, पूनम शर्मा जी हैं, राहुल मिश्रा जी हैं, और मोनिका चावला कपूर जी हैं, आशीष नासवा जी हैं। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है, बहुत प्रणाम है। अनिल श्रीवास्तव जी भी हैं, बहुत प्रणाम और स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का। और हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और हमें सुन रहे हैं। तो रिश्तों की बात अनुगुंज के साथ हम लोगों ने आज इसका एक तरीके से लॉन्च हो रहा है, आज पहला कार्यक्रम है इसका, और भूपेंद्र टीकू जी का बहुत इस चीज के लिए बहुत रिक्वेस्ट था कि मैं ये कार्यक्रम खुद से शुरू करूं, तो इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम आज शुरू हम हमारे साथ शुरू कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य ये है कि बहुत सारे रिश्तों में भी प्रतिभाएं होती हैं, कहीं पे पिता पुत्री की आप कुछ प्रतिभाएं होती हैं, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी की, पति की कोई प्रतिभा होती है, पत्नी की कोई प्रतिभा होती है, भाई बहन में भाई की कोई प्रतिभा होती है, बहन की कोई और प्रतिभा होती है। तो इस मंच में ऐसे दो रिश्तेदार आपस में जुड़ें
और वो अपने उनके बारे में बातचीत करें, एक संचालक महोदय रहेंगे साथ में या महोदया रहेंगी, और उनके साथ उनके जीवन के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में और उनकी प्रतिभाओं के बारे में बातचीत हो, और कैसे करके वो लोग एक रिश्ते में एक दूसरे को स्पेस दे करके एक दूसरे की प्रतिभा को बढ़ावा दे रहे हैं। ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश रहेगा कि रिश्तों में अगर स्पेस दी जाए, रिश्तों में अगर एक दूसरे को समझदारी के साथ एक दूसरे की प्रतिभा को पनपने का अगर मौका दिया जाए तो कितना विकास होता है एक व्यक्तित्व का। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि रिश्तों में आपसी समझ हो, आपसी स्पेस हो। बस यही उद्देश्य लेकर के रिश्तों की बात अनुकुंज के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं और आज ये पहला कार्यक्रम है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पूरे अच्छे से समझाया इसके उद्देश्य को, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि जैसे आज हमारे साथ श्रोता जुड़े हुए हैं, सारे सब श्रोताओं को मेरा आदाब, मेरा नमस्कार, और आपसे आप जुड़े हुए हैं, अपना कीमती समय आप दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि आगे भी जैसे हमारे दूसरे प्रोग्राम्स को या इवेंट्स को श्रोताओं ने बहुत प्यार और बहुत स्नेह दिया है हमेशा, तो इस प्रोग्राम को भी वो आगे आने वाली जितनी भी इसके कड़ियाँ होंगी या अंक होंगे उनको बहुत अच्छे से उत्साह से और स्नेह और प्यार देंगे। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया श्रोताओं, आज हमारे पेट्रन संरक्षक स्वर्गीय श्री मानिक गोशाल जी का जन्मदिन दिन है, और यहाँ उनका हम जन्मदिन के मनाने के लिए हम उनकी पुत्री श्रीमती निवेदिता चक्रवर्ती जी, संस्थापक जो है अनुकुंज की, उनको लाए हैं, और कुछ देर में उनकी पौत्री शिवानी चक्रवर्ती जी भी जुड़ेंगी हमारे साथ। तो मैं कुछ श्रोताओं के लिए उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा स्वर्गीय श्री मानिक गोशाल जी का। ये सन 1938 में पैदा हुए, लखनऊ में इनका जन्म हुआ, और सन 1957 में इन्होंने स्नातक किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और उसके बाद ये कार्यरत रहे अलग अलग जगहों पे, इलाहाबाद में, जबलपुर में, और फाइनली ये हरिद्वार आए जहाँ पे BHEL भेल में जो एक वरिष्ठ पदोधिकारी थे वहाँ से वो सेवानिवृत्त हुए 1978 में। उसके अलावा इन्होंने बहुत पहले एक संस्था बनाई, साहित्यिक संस्था, उसका भी जिक्र किया था हमने, फिर से बोलेंगे। उसका नाम था पारिजात, जो हरिद्वार में बड़े बड़े आयोजन, कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठियाँ, सांस्कृतिक गोष्ठियाँ वगैरह वो करते रहते थे। और एक छोटी सी बच्ची जो बहुत कम सिन उम्र में वो जुड़ गई उसके साथ, और वो बड़े जैसे कहते हैं अंग्रेजी में स्टारी आइड, खुले नेत्रों से वो देख रही थी कि क्या हो रहा है। तो वो जो उनका जो उनका जो वो बीज का जो अंकुर है वो इनके हृदय में फूटा, और ये उस अंकुर को आगे लाके एक वृक्ष बना के जो सायादार भी है और फलदार भी है आगे लेके आई हैं। और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ निवेदिता जी। तो जी, मुझे लगता है कि पहले हम शिवानी जी को जोड़ लें साथ में। जी बिल्कुल, तो शिवानी जी को लेकर के, शिवानी चक्रवर्ती मेरी बेटी हैं, मेरी छोटी बेटी है, मेरी दो बेटियां हैं, शिवली चक्रवर्ती और शिवानी चक्रवर्ती। शिवली चक्रवर्ती से आप लोग काफी परिचित हैं, वो कार्यकारिणी समिति की मुख्य सदस्य हैं, और शिवानी चक्रवर्ती जो हैं वो मेरी छोटी बेटी हैं। उनको इस पटल पर इस रिश्तों की बात अनुगुंज के साथ में लाने का एक विशेष कारण ये भी है कि जो ये आनुवंशिक की जो प्रतिभा गई है लिखने की, कविताएं लिखने की, वो शिवानी चक्रवर्ती में गई है। तो मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ, वो जोड़ करके उनको मैं ला रही हूँ पटल पर, और वो एक कविता प्रस्तुत करेंगे आप सबके सामने। जी जी बिल्कुल, स्वागत है शिवानी, मोस्ट वेलकम शिवानी, हाय। शिवानी आपको मेरी आवाज अब आ रही है? ठीक है,
वेरी ग्लैड आपने मेरे को यहाँ पे आने बोला, एंड आई एम थैंकफुल आप मुझे अभी पोएम बोलने बोल रहे हो, बिकॉज अगर आप पहले दादू और अपनी पोएम सुनाते तो फिर मेरे को बहुत शर्म आती सुनाते हुए। यस ठीक ओके, है तो शिवानी आपने। हाँ मैंने एक्चुअली बहुत कोशिश करी थी कि मैं कोई पोएम ढूंढू तो मैंने दादू के लिए लिखी हो, पर मेरे को मिली नहीं। लेकिन मेरे को एक मिली जो मैंने अपनी नानी के लिए लिखी थी, सो आई थॉट दैट वुड बी अप्रोप्रिएट टू, बिकॉज दैट इज द नेक्स्ट क्लोजेस्ट थिंग जो दादू को अच्छी लगती कि मैंने नानी के लिए पल। सो मैंने शुरू में जिस दिन ये पोएम लिखी थी, मैंने लास्ट ईयर समर्स में लिखी थी, तो उस दिन जो सिचुएशन जिसने मेरे को ये पोएम लिखने को ट्रिगर किया, मैंने वो भी थोड़ी सी डिस्क्राइब करी थी। तो मैं पहले थोड़ा सा उसका कंटेक्स्ट देके देन आई विल गो ऑन विद द पोएम। ठीक है, तो श्योर। दिस मॉर्निंग माई ग्रैंड मदर वोक मी अप सेइंग दैट हर वॉशरूम इज फिल्ड विद वॉस्प एंड शी इज अनेबल टू टेक अ बाथ। What made this so ridiculous is the fact that I spent last night asking her to stay away from the nest these insects have created. She would not listen, and alas, she did not. Now that the monsters are awakened, I tell her, let it be for now. Just close the door and use my bathroom for a shower. Again, she would not listen. Old leaves can be the cutest creatures, way more amusing than kids, but so obstinate. I cannot count the number of times I have felt nonplussed in the moment, unsure of whether I feel angry or want to laugh. So this is the situation, and now I am going to recite the poem. Dear Grandma, your silly and repetitive questions make my day. The way you don't lose confidence in your brain's capabilities, how you silently take out photo albums from the shelves and flip pages, smiling and giggling. How you get determined to concoct pickles and sweets for the house and master it. I love it whenever you engulf in nostalgia, singing songs to which you danced ages ago as a young and peppy girl. And when you speak of bravery, how it took leaving a small town, all that you had ever known in this big world, and traveling alone to a new city to work in the health sector. You delightfully embraced the opportunities this world had to serve, and you worked hard for them. You showed courage. When the time came, you gave up your identity of being an incredible employee and readily devoted the rest of your life to your husband, your kids, and both of your mothers. While it does pinch to think how patriarchy took away your independence, I am just not able to stress on it, seeing how loving you found your years to be, how you have always known that wedlock meant abandoning your career, yet you never held it against anybody. You nurtured everything and did justice to all your roles as a mother, a wife, a daughter. I don't think I have seen anyone serve others as selflessly as you do. Be it changing your old husband's diapers, being a lone caregiver for your aging mother when you yourself have a hunchback, or cleaning up after someone who just gave birth, even though they were never nice to you. Above all, you never pretend to be a Saint Teresa or anything. You have your idiosyncrasies, your own prejudices. You are human, so you do flare up sometimes. But I see how none of that ever stops you from giving up your own comfort in a heartbeat when a person is in need. And I think that is what I love most about you. You serve people and never speak of it again, like you have forgotten about it, like it was effortless. I admire you for keeping the child within you alive through all these years, for your faith, your logic, and everything in between. That's wonderful. Awesome. Yeah. It was very candid, Shivani. Yeah, beautiful. That's right. Thank you for the opportunity.
that I can speak this poem here. Yes. शिबानी ऑसम पोयम, एंड आई वांट टू शेयर कि बहुत सारे हमारे सदस्य भी बहुत तारीफ कर रहे हैं. रेखा ड्रोलिया जी ने लिखा है टचिंग, पूनम शर्मा जी ने सुंदर लिखा है, ऋचा प्रियदर्शनी जी ने भी तारीफ करी आपकी कविता थैंक की, यू एवरीवन फॉर उदत शर्मा लिसनिंग. जी ने भी तारीफ करी, तो मधु खरे जी भी तारीफ कर रहे हैं, सब लोगों बहुत प्रशंसा कर रहे हैं. थैंक यू, अभी हम ग्लैड एवरीवन लाइक्ड इट. या थैंक यू सो मच सब लोग. और मैं अभी शिवानी को बाय बोल रही हूँ. शिवानी अब स्क्रीन से मैं इनको हटा रही हूँ बिकॉज इनका कुछ मीटिंग है और इनको जाना है. बाय शिवानी, थैंक एंड यू, थैंक यू, बाय. थैंक यू, बाय जी. जी, आपने श्रोताओं ने सुन लिया होगा कैसे वो लीगेसी जो स्वर्गीय श्री मानिक घोषाल जी की है वो कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चल रही है और बढ़ रही है, पनप रही है, फल फूल रही है, और कैसे इन्होंने खूबसूरती से अंग्रेजी भाषा में उनका एक बहुत ही कैंडिड, बहुत डिस्क्रिप्टिव अपनी ग्रैंड मदर के लिए, नानी के लिए वो पोएम लिखी थी. और मैंने उनको पहले भी सुना है शिवानी को, और बहुत ही मेटोनिमस और बहुत ही सिंबोलिज्म इनकी पोएम्स में होता है, बहुत खूबसूरत लिखती हैं, और वो भी इस उम्र में. आगे इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे. एक निवेदिता जी, एक शेर यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर ये शेर जो है, ये गजल के कुछ शेर हैं, आपको श्रोताओं बताते चलूं कि स्वर्गीय श्री मानिक घोषाल जी बहुत ही आला पाए के शायर थे, वो बहुत ही ऊंचे दर्जे के शायर रहे, कवि भी थे और शायर भी थे. खैर, हमें ये कहना पड़ता कवि इसका मतलब है वो कविताएं हिंदी में बहुत अच्छी लिखते थे, और शायर इसका मतलब ये है कि गजलें, नज्में और रुबाइयां, चौपाइयां वगैरह, कते वो भी बहुत अच्छे लिखते थे. उनकी यहाँ पे कुछ शेर हैं जो मैं बहुत ही मुतासर हुआ, और मुझे लगता है कि शायद आज अगर वो होते तो शायद ये गजल के कुछ शेर वो पढ़ लेते, तो इसलिए मैं आपकी इजाजत लेके ये पढ़ना चाहूंगा कुछ शेर उनके, श्रोताओं के लिए भी और आपके लिए भी. जी स्वागत है भूपेन. मतला गजल का श्रोताओ ऐसे है, सारी नेमत अलामत तेरी पहचान की है, सारी नेमत अलामत तेरी पहचान में है, और आईना आईने सा वजूद तेरा इसी जहान में है, आईने सा वजूद तेरा इसी जहान में है. तो आपने आईना तो आप देख ही रहे हैं, एक अक्स उसमें उनकी पुत्री का नजर आ रहा है और दूसरा अक्स उनकी पोत्री का आपने अभी देखा. तो मुझे लगता है ये शेर उन्होंने सारी नेमत अलामत तेरी पहचान में है और आईने सा वजूद तेरा इसी जहान में है, तो वो रिफ्लेक्शंस तो हमारे सामने हैं, बिल्कुल जीती जागती रिफ्लेक्शंस हमारे सामने हैं. और भी उन्होंने बहुत सी खूबसूरत गजलें लिखी हैं, खूबसूरत कविताएं लिखी हैं, आगे चलेंगे तो उनकी वो भी जिक्र करेंगे. तो निवेदिता जी, मैं पहले आपसे शुरुआत मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने एक बार बताया था और उसका जिक्र हमने पहले भी किया है कि आप छोटी थी, कमसिन उम्र में थी, और शायरी के कविताओं की तरफ आपका लगाव पहले से था रहा, लेकिन एक बात आपने बहुत बहुत अहम कही जो यहाँ पे दोहराना बहुत जरूरी है मेरे लिए, कि आपके बाबा ने कुछ बोला था, कुछ सिंबल्स दिए थे केमिस्ट्री से रिलेटेड, कि सुनाना अगर कोई विटामिन है तो सुनना कैल्शियम है, कुछ ऐसा. यानी कि वो सुनने में ज्यादा यकीन करते थे, और आपको जब भी सामने आप बैठी होती थी तो आप शुरू शुरू से ही कमसिन उम्र से ही लिखना आपने शुरू किया, तो वो आपसे जरूर कहते थे कि आप भी सुनाओ कुछ. तो ये जो परस्पर जो सुनने सुनाने का वो जो उनके अंदर बीइंग ए लिसनर, एक श्रोता का जो वो एक था जिसको हम कैल्शियम ही कहेंगे अब,
क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि सुना सुनना कैल्शियम होता है, तो वो जो एक उनके अंदर वो कुव्वत थी, वो ताकत थी, वो ताकत हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है बहुत कम हो रही है धीरे धीरे, लेकिन वो ताकत को, उस ताकत से आपको कितना बल मिला और कैसे? जी भूपेन जी जी, ये जो एक इंसान के अंदर होते हैं ना कि खुद की बात सुनाने से ज्यादा दूसरे की बात सुनने की जो एक इच्छा होती है, ये एक इंसान के अंदर जो सहनशीलता, उसके अंदर जो धैर्य की, जो एक धैर्य धीरज की जो एक उनके अंदर प्रतिभा होती है, ये सब सब लोगों में नहीं होती। और मेरे मेरे पिता में जो धैर्य, जो सहनशीलता, जो उनके व्यक्तित्व में ठहराव था, उसका आधा भी मेरे व्यक्तित्व में नहीं आ पाया। तो सबका व्यक्तित्व अपना अलग अलग होता है। उनका व्यक्तित्व जो था, मतलब मेरे पिता थे, फिर भी मैं बिल्कुल साफ कहती हूँ कि उसका आधा भी मेरे व्यक्तित्व में नहीं आ पाया। और वो बहुत स्वभाव से ही, जितने लोग अभी आज भूधर शर्मा जी BHL से जुड़े हैं, और उन्होंने मेरे वो पारिजात जो संस्था की आप बात कर रहे थे, उसके वो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो अभी भी चल रही है पारिजात संस्था हरिद्वार में। बहुत बहुत तो स्वागत करते हैं। जितने भी लोग BHL के हैं हरिद्वार के, उनको मालूम है कि मेरे पिताजी का जो स्वभाव था वो ऐसा ही था, बहुत कम बोलने वाले और बहुत सहनशील, बहुत धैर्य वाले। तो इसलिए उनके स्वभाव में ऐसा था कि बिटिया कुछ लिखा है क्या, सुनाओ पहले। तो जब भी हम मिलते थे, तो केवल जब मिलते थे तभी नहीं, हम फोन पे भी जब बात करते थे तो बोलते थे, और बिटिया कुछ नया लिखा क्या, तो सुनाओ। क्या फिर जब बात, हम सुना देते थे अपना, फिर वो कहते थे, अच्छा बिटिया एक हमने भी नया कुछ लिखा है, तो वो आप हमसे सुनो। तो ऐसे करके हमारी बातचीत होती थी, तो ये रहता था। अच्छा जी भूपेंद्र, ये देखिए, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। वैसे आपने ये बोला कि उस स्तर का आप में धैर्य नहीं है, लेकिन वो मैंने जो देखा है आपको काम करते हुए, जो जितना आपको पढ़ना पड़ता है दूसरों का और जितना सुनना पड़ता है, उसमें तो मुझे लगता है कि वो अगर धैर्य ना होता तो वो पूरा नहीं हो पाता आपसे, वो काम ना तो हमसे होता है ना आपसे होता है, और आप वो कर रही हैं बखूबी। और जी इस बीच हम जो आज जो पारिजात के जो जो नेतृत्व में जिनके चल रहा है पारिजात, जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष महोदय, उनको मेरे मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हैं, अपना समय दिया। भूदत्त भूदत्त शर्मा जी, शर्मा जी, नमस्कार आपको। जी तो निवेदिता जी, ये पीछे आप अगर जाएं थोड़ा सा अपने बचपन में, जी बचपन में असल में क्या होता यही है कि बचपन में हमें तो वो चाहिए, खिलौने चाहिए, या ऐसी डिमांड्स होती हैं माता पिता से कि जी हमारे को मिठाई ले दो, हमारे को चॉकलेट चाहिए, हमारे को दूसरी चीजें चाहिए, या कुछ कपड़े चाहिए, या कुछ साइकिल चाहिए, या ऐसा कुछ जो भी होता है, वो छोटे कमसिन हृदय की जो छोटी छोटी एस्पिरेशंस होती है वो ही मांगता है। तो आप उन दिनों में जब आप अपने पिताजी से जुड़ी थी, तो जो आपने बताया हमें, वो आप को लगन थी वहां सुनने की और देखने की, वो कैसे आयोजन कैसे होते हैं, और उनमें आप बैठ के अगली कतार में शायद बैठती होंगी, तो वो ज्यादा था। तो ये कहाँ से, ये जो स्पिरिट है, इसमें स्वर्गीय आपके स्वर्गीय पिताजी का वो कितना हाथ है, चाहे वो जाने में हो या अनजाने में रहा हो, तो ये कितना आपको जो पनपने दिया है शुरू में, ये मैं क्वेश्चन इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि कई प्रतिभाएं हमारी होती हैं जो जो कि शुरू में कहते हैं हाँ मैं भी बहुत अच्छा पेंटिंग करता था या करती थी, फिर न जाने क्या हुआ फिर मैंने छोड़ दिया। तो ये बहुत इस संदर्भ में बड़ा इंपॉर्टेंट अहम प्रश्न है कि आपने न सिर्फ जो पनपा आपके अंदर, उसको उन्होंने हवा भी दी और उसको उन्होंने, जिसको कहते हैं, संरक्षण दिया और सपोर्ट भी किया। जी निवेदिता जी, जी भूपेन जी,
तो मुझे याद है कि मैं कुछ 9 से 9-10 साल की थी, और मेरे मेरे विद्यालय में कुछ टीचर्स ने बोला था कि कोई बच्चा कुछ लिखता है क्या तो कुछ दीजिए। तो मैं बहुत छोटी थी तब, 10 साल की कुछ। तो मैं अपने फादर साहब के पास आई, मेरे को पता था वो लिखते हैं, तो मैंने उनको बोला कि आप अपनी एक कविता दे दीजिए और मैं विद्यालय में दे देती हूँ। उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा बेटा आप खुद लिखो। तो ये जो था ना कि आप खुद लिखो, और वो चाहते तो किसी और पेरेंट्स जैसे अपनी कविता दे देते। तो ये जो पहली शिक्षा थी कि नहीं, किसी और का नहीं लेना, खुद लिखो, तो यहां से बीज पड़ा था। तो उसके बाद मैंने 11 साल से कविताएं लिखनी शुरू कर दी। तो मैं कविताएं कागजों पर लिख करके इधर उधर फेंक देती थी। दूसरी शिक्षा, कलेक्ट करना शुरू करो। अगर आप लिखती हो तो डायरी ला करके दी कि आप इसको कलेक्ट करें। और फिर बहुत उन्होंने मेरी डायरी में मैंने संग्रह करनी शुरू कर दी अपनी कविताएं। फिर उन्होंने जो तीसरा चीज थी, उन्होंने जब देखा कि मुझे लिखने और पढ़ने का शौक है, तो उन्होंने मैंने पहले भी जिक्र किया इस चीज का अपने कार्यक्रमों में, तो अमर चित्र जी कथाएं मिलती थी। हमारे हरिद्वार में एक मोती बाजार है, वहां पे अमर चित्र कथाएं मिलती थी, और जी जिसमें हमारे देश की बहुत वीरांगनाओं की कहानियां होती थी, हमारे देश के पौराणिक कहानियां होती थी, ऐतिहासिक कहानियां होती थी, सब चित्रों के रूप में थी। और तो मेरे पिताजी वो लेकर के आते थे बहुत बचपन से। और इसके अलावा और भी साहित्य की किताबें उन्होंने मेरे को ला ला करके दी। तो मेरे हर जन्मदिन पर मेरे पिताजी मुझे कविता के, मेरे को हमेशा साहित्य की किताब मुझे गिफ्ट करते थे। तो ये एक बहुत तरीके से उन्होंने, और फिर उन्होंने मुझे कभी भी डिस्करेज नहीं किया। जैसे वो खुद इतने बड़े शायर और कवि थे और उन्होंने संस्था बनाई थी, तो लेकिन वो चाहते तो मुझे कहीं कवि गोष्ठी में नहीं ले जाते, बट वो मुझे जरूर अपने साथ कवि गोष्ठियों में लेकर के जाते थे। हमारे घर में कुछ जो कवि गोष्ठियां होती थी उसमें हमेशा मुझे साथ में बिठाते थे, और मेरे को हमेशा पढ़ने का अवसर मिलता था सारी कवि गोष्ठियों में। तो ये बहुत जो खूब था कि अपने बच्चे को एक एक पल पल कैसे करके बड़ा करना है, और कैसे करके उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके, तो मेरे तो गुरु वही हैं मेरे जीवन के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी ये जो आपने ये मैं यहां से दूसरी बात दूसरी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा, हमारे मेरा खुद ध्यान गया उधर और श्रोताओं को भी दिलाना चाहूंगा कि ये पेरेंटिंग जो आजकल हम करते हैं और हम मतलब जैसे जो साहित्यिक विधाएं हैं जो अगर हमारे बच्चों में हैं हूं तो उसमें शायद हम कुछ ग्रेड्स और कुछ उनके मार्क्स या जो दूसरे चीजें हैं उनकी एकेडमिक्स उसके नीचे दब जाती हैं कहीं ना कहीं। तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आप अच्छे मार्क्स ले आओ, अच्छे ग्रेड्स ले आओ, तो ये सब छोड़ दीजिए, ये गाना हो गया या कविता हो गई या पेंटिंग हो गई या कोई स्पोर्ट्स हो गया, कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जिसमें उन्होंने आप में विश्वास रखा, उनकी फेथ आप में थी पूरा पूरी कि ये अगर ये इन इससे साहित्य से जुड़ेंगी तो इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी नॉर्मल पढ़ाई में, क्योंकि आपकी उम्र तो कम थी तब। जी ये एक बहुत बड़ी चीज है उसमें उससे हमको मिलती है। जो आजकल आम घरों में झगड़ा ही यही होता है कि ये मत करो वो मत करो, ये अपना पढ़ाई करो सिर्फ और डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो और आईटी वाले स्पेशलिस्ट बनो वगैरह जो भी होता है। खैर अच्छा, जब आपका निवेदिता जी जब आप आगे बढ़ते हैं आपके सफर में बाबा के साथ, तो फिर जब आप स्कूल से बड़ी हो गई जैसे 15-16 साल की आयु में या कॉलेज चली गई हो पढ़ने के लिए, तो उस टाइम का उस समय का कोई संस्मरण हमें सुनाइए, यहाँ पे श्रोताओं को भी कोई रोचक संस्मरण हो उनके साथ आपका, जिससे वो जो किसी भी साहित्यिक गोष्ठी से जुड़ा हुआ हो या ऐसा कुछ हो जो आपको याद है।
जी दो तीन संस्मरण मुझे बहुत याद हैं। तो मैं ना बचपन में बहुत दरिद्रता पे भी बहुत लिखती थी, गरीबी पर। तो भूधर शर्मा जी जी पिताजी की कविताओं के बारे में भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, दादा की कविता की पंक्तियां बोझिल सी पलकों के नीचे कुछ बिसरे चलचित्र उभरते, छलनी छलनी कर देते और अपने ही रंगों से भरते। मेरी इन स्वप्निल यादों को अश्रुधारा ने पाला है, सूना सूना सा आंगन है, मैं हूं और सन्नाटा है, शश्वत क्या नमन। बात, मतलब वो उन्होंने बहुत पिताजी की कविताओं की पंक्तियां लिखी हैं जी। और बहुत धन्यवाद भूधर शर्मा जी, बहुत आभार। तो दो तीन संस्मरण थे। तो मैं बहुत दरिद्रता पर लिखती थी। तो हमारे यहाँ पे हरिद्वार के पास एक ज्वालापुर करके जगह थी, तो वहां से एक बार स्कूटर लेकर के जाए थे, बड़ी संकरी सी गली थी। तो मैंने कहा, आप जी इधर से क्यों लेके जाते। मैं पापा को बहुत डोमिनेट करती थी शायद बेटियां करती हैं, तो मैं उनको डांटती रहती थी, आप इधर से क्यों स्कूटर लेके जा रहे हो, आप बड़े रास्ते से क्यों नहीं लेके जा रहे। तो फिर मेरे पिताजी कहते थे, नहीं, यहाँ से इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि तुम जब दरिद्रों पे कविताएं लिखती हो तो देखो ना, यहाँ पे इतने गरीब रहते हैं, तो तुम इनको भी तो देखो, तुम इनको इतने करीब से नहीं देख करके इतनी अच्छी कविताएं कैसे लिख ले। मतलब वो साथ में मेरी तारीफ भी कर रहे थे और साथ में मुझे बता भी रहे थे कि यू नीड टू गो टू क्लोज, मतलब आपको थोड़ा पास जाना चाहिए फिर गरीबों के, तो आप और बेहतर लिख पाओगे। तो वो एक उस तरह का कि उस तरीके का एक ज्ञान भी दे रहे थे साथ में, कि आपकी कलम में धार तब आती है जब आप उस चीज को नजदीकी से देखते हो। तो एक ये जी था। एक पिताजी के साथ एक छोटी सी काव्य गोष्ठी मेरी ऐसी भी रहती थी, जब आप गंगा के किनारे में और पिताजी तो जाते थे और अपना गंगा जी में पैर रख करके हम दोनों बैठ जाते थे और वो अपनी कविताएं सुनाते थे और मैं अपनी कविताएं। तो वो वाला जो दृश्य है ना, वो मैं आज भी नहीं भूल पाती हूँ। और एक कवि क्या गोष्ठी में, वही दो तीन इस जो संस्मरण है, एक कवि गोष्ठी में एक बहुत मजेदार बात हुई एक बार। जी जी तो सुनाइए ना। मेरी एक कविता है, तो उसमें मैंने लिखा था कि यादों ने मन की दीवारों में सेंध लगा दी, तो रात भर चुपचाप सपनों का कत्ल होता रहा। तो उस कवि गोष्ठी में रमेश रमन जी भी बैठे थे, जो प्रसिद्ध गीतकार हैं हरिद्वार के, तो वो भी बैठे थे। और अच्छा, मैंने और मेरे पिताजी ने एक दूसरे को अपनी कविताएं नहीं सुनाई थी, जो हमने बिल्कुल नई ताजी ताजी उसी दिन सुबह लिखी थी और हम कवि गोष्ठी में सुना रहे थे। और मेरे पिताजी ने भी एक ऐसी कविता सुनाई जिसमें उन्होंने उनकी भी यादों में सेंध, मतलब सेंध लगा दी थी किसी ने। तो रमेश रमन अंकल बोलते हैं कि अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि बिटिया के सपनों में पहले सेंध लगी थी कि आपके सपने में पहले सेंध लगी थी। तो ऐसे बहुत ऐसे भी होते थे चीजें और मजा आता था कवि गोष्ठियों में भी। तो ये सब था, बहुत अच्छे संस्मरण है पिताजी के साथ। और जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि एक इच्छा होती है बच्चे की कि ये चाहिए वो चाहिए, तो मेरे पिताजी मेरे को पता था कि मुझे क्या क्या पसंद है। तो हमारे यहाँ पीठ बाजार लगा करती थी उन दिनों, सब्जी की बाजार को पीठ बाजार कहते थे। तो मेरे को गन्ना खाना और मुझे मूंगफली खाना बहुत पसंद था। विदाउट फेल मेरे पिताजी विदाउट फेल ये दोनों चीजें जरूर लाते थे और कहते थे बिटिया के लिए ये सामान है। बहुत खूब, बहुत खूब जी, बहुत अच्छे आपने उनके संस्मरण सुनाए। और उनकी जो सबसे बड़ी, उनकी जो व्यक्तित्व में जो सादगी झलकती जी है, एक तो सादगी, धैर्य, और बिल्कुल जो उनको मतलब जो आपकी छोटी 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 जो जरूरतें हैं वो याद रख के उनको पूरा करना, और फिर आपको पनपने का मौका देना कि आप भी सुनाओ कुछ, या ऐसे हम कह देते हैं बच्चे को, हम कह देते हैं जाओ अभी तुमको सीखना बहुत है, या ऐसा कुछ कह के वो थोड़ा सा वो दब जाता है उस बोझ तले। लेकिन बहुत बहुत खूब आपने सुनाया है, और उनकी उनका व्यक्तित्व हमारे सामने, मुझे लगता है श्रोता भी अभी जो सुन रहे होंगे बिल्कुल उनके सामने उनका पूरा व्यक्तित्व आ गया होगा उनकी आंखों के सामने। कुछ कविताएं सुनाइए ना, अपनी भी और उनकी भी। तो मैंने अपने पिताजी पर एक दो कविताएं लिखी थी, तो मैं वो सुना रही हूँ, उसके बाद मैं पिताजी की सुनाऊंगी क्योंकि उनके तो बहुत ही बेहतरीन रचनाएं हैं, उसके बाद मेरी रचना का कोई मतलब नहीं रह नहीं, ऐसा नहीं है, जाता। आप
आप ये सोचिए, वो गंगा किनारे में आप बैठी हैं और वो सामने आप बोल रहे हैं कि सुना दो, और वो भी सुना रहे हैं। जी, तो पिताजी जब चले गए तो एक मैंने उनके रहते हुए ही एक कविता लिखी थी, वो मैं पहले सुनाना चाहती हूँ आपको। जी, स्वागत। जी, मेरे बाबा आकाश के मेघों से पल पल करते स्नेह की फुहार, लहलहा जाता आशीष और दुलार। मेरे बाबा आकाश के मेघों से पल पल करते स्नेह की फुहार, लहला जाता आशीष और दुलार। अच्छा, ये वाली जो कविता है ना, इसमें मेरे पिताजी जैसे थे, मैंने कहीं पे भी ना अतिशयोक्ति नहीं करी है इस पूरी कविता में, तो वो जो जी जैसे थे ना वो पूरा इस कविता में दिखता है। तो मेरे जी बाबा आकाश के मेघों से पल पल करते स्नेह की फुहार, लहला जाता आशीष और दुलार। मेरे बाबा सुगंधित बयार से गुनगुनाते, हंसते हंसाते, और हमारा छोटा सा घर बगिया हो महकता। मेरे बाबा शिला जैसे चुपचाप झेल जाते समय के आघात, और बंजर नियति में विश्वास के फूल खिला देते। वाह, मेरे बाबा सागर की लहरों जैसे पल में धो देते मन के अवसाद, छोड़ जाते आशाओं के छोटे छोटे शंख और सीपियां। मेरे बाबा आज मेरी स्मृतियों में आते, मन झंकृत हो उठता, आंखों के कोर भीग जाते। और मुझे खुशी है क्या कि मेरे पिताजी के जीवित रहते हुए मैंने ये कविता लिखी थी, और मैंने उनको उनके जन्मदिन पर ही मैंने ये कविता लिखी थी और उनको सुनाई थी फोन बहुत ही पर। खूबसूरत आपने कविता लिखी है। मैं तो क्या कहूंगा, वो तो आप पढ़िए, श्रोताओं के कमेंट्स भी आ रहे होंगे तो मेरे जी को दिख नहीं रहे हैं अभी, तो आप पढ़ सकती हैं कमेंट्स। जी 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 सब पढ़ रही हूँ। तो ऋचा प्रियदर्शिनी जी तारीफ कर रही हैं, निशि सिंह जी ने तारीफ करी है सुगंधित बयार से, भानु प्रताप जी कह रहे हैं लहला जाता आशीष और दुलार मेरे बाबा, वाह। सीमा गुप्ता जी, वाह बहुत सुंदर रचना। मंजू श्रीवास्तव जी लिख रही हैं सागर के लहरों जैसे, वाह। अंजू कपूर जी ने तारीफ करी है, राजीव प्रखर जी कह रहे हैं हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति, तो राहुल मिश्रा जी ने तारीफ करी है, मेरी भाभी भी बहुत जुड़ी हैं, वो उन्होंने भी तारीफ करी है। बहुत खूब, बहुत जी। तो अब बाबा की कोई कविता है आपके जी पास तो हाँ, सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनकी भी कविताएं लेके बैठी हूँ। तो मेरे ख्याल से गजल आप सुना दीजिए उन्हें, उनकी एक कोई कविता सुना देते हो। मैंने आपसे गजल शेयर करी हुई है, आप तो सुना दीजिएगा। जी मेरे पास है। मैं जी, तो मेरे पिताजी की जो हिंदी कविताएं थी ना, वो बहुत जीवन दर्शन को लिए हुए थी वो कविताएं। तो मैं एक कविता सुनाना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है आप। सूर्य नमस्कार, तो सूर्य के ऊपर है। हे रश्मि रथ के महारथी, तुम्हें क्या मालूम, तुम तो अश्व रथ के आरोही हो, आते हो चले जाते हो। कभी इन रश्मियों से पूछो जिन्होंने इस धरा का अंग अंग चूमा है, नखशिख स्नान कराया है, नित्य जीवन पान कराया है। वह जानती हैं कि हे प्रभाकर, तुम ही नहीं हो एकमात्र प्रकाश पुंज, तुम ही नहीं हो धरा सिंधु के प्रकाश स्तंभ। इस धरा ने सैकड़ों सूर्य उगाए हैं, क्या बात, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्योतिर्मय स्नान कराए हैं, मानव धर्म का प्रकाश स्तंभ लगाया है, कोटि कोटि सुप्त नयनों को जगाया है, और खंडित किया है तुम्हारा अहम, तुम्हारा भ्रम। किंतु हे भास्कर, इस धरा के ऊपर तुम ही नहीं हो केवल अग्नि स्वामी, तुम ही नहीं हो एकमात्र अनलगामी। तुमसे भी बढ़ चढ़कर इस धरती पर लोग मिलेंगे, अग्निपान करते हुए, अनल उगलते वाह हुए। हे वाह दिनकर, वाह, बहुत अच्छी ये कविता है, मतलब देखो सुनाते हुए मजा आता है इनका। हे दिनकर, तुम तो सीधे सहज सरल पथ पर केवल सात अश्वों के आरोही हो, परंतु इस धरा के घुमावदार उबड़ खाबड़ रास्तों पर करोड़ों सिरों पर सवारी साधे लोग मिलेंगे, रक्त सोखते हुए,
चाबुक फटकारते हुए, रक्त सोखते हुए चाबुक फटकारते हुए, स्वयंभू सूर्य कहलाते हुए, स्वयंभू सूर्य कहलाते हुए, हे अग्नि अग्नि अग्निधिपति दिवाकर, यदि तुम्हारे अग्नि प्रज्वलित हृदय में थोड़ी सी भी ममता है तो दो बूंद तृप्त हृदयों पर अपने आशीष कण बरसा दो, अन्यथा बादलों की चादर से अपना मुंह ढांक लो, ताकि धरा की ताप जलन सहने योग्य बन सके, लोग सहनशील बन सके, लोग सहनशील बन सके। जी बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो क्या कहें, निशब्द है, मैं तो धारदार कविता है ये, बहुत अच्छी कविता, इतनी संवेदनशीलता। और उससे जो उन्होंने जो सिंबल बिंब लिए हैं, बिंब लिया है सूर्य का, और उसके साथ उन्होंने जो वर्णन जो किया है, देखिए बहुत कम सुनने और पढ़ने में आता है ये ऐसा जी। एक गजल मेरे को बहुत पसंद आई उनकी, वैसे तो सारी गजलें उनकी बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन जिसमें से मैंने एक शेर अभी सुनाया था जब शिबानी जी आई थी, तो वो मैं श्रोताओं के लिए सुनाना चाहता हूँ। जी स्वागत। मतलब इस तरह है, सारी नेमत अलामत तेरी पहचान में है, सारी नेमत अलामत तेरी पहचान में है, आईने सा वजूद तेरा इसी जहान में है, आईने सा वजूद तेरा इसी जहान में है, भले हो मेहमान नवाजी शहनशाहों के घर की, भले हो मेहमान नवाजी शहनशाहों के घर की, मगर वो सुकून कहाँ जो अपने मकान में है, मगर वो सुकून कहाँ जो अपने मकान में है। और ये आपकी अदा है, पानी को उछाल दीजिए, शेर देखिए श्रोताओ और आप भी निवेदिता जी, ये आपकी अदा है, पानी को उछाल दीजिए, वरना इसका बहाव तो जमीन के ढलान में है, वरना इसका बहाव तो जमीन की ढलान में है, और बस के इबादत भी अल्लाह के रहम व करम पे है, बस के इबादत भी अल्लाह के रहम व करम पे है, खुश को खुद नहीं, माफ कीजिएगा, ये फिर सुनाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा उनकी डायरी में लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा माफ कीजिएगा श्रोता, फिर इसको सुनाता हूँ एक बार। खुदा खुदा को भूलने वाले तू किस गुमान में है, बस के इबादत भी अल्लाह के रहम व करम पे है, खुदा को भूलने वाले तू किस गुमान में है, और फकत कजा का खौफ नहीं तूफान के साये में, फकत कजा का खौफ नहीं तूफान के साये में, जीने का हौसला भी पिन्हा इसी तूफान में है, जीने का हौसला भी पिन्हा इसी तूफान में है। और मक्ता इसका अर्ज करता हूं, हाथ पे रखे हाथ चाहता है रोटी माणिक, हाथ पे हाथ पे रखे हाथ चाहता है रोटी माणिक, रोटी का मजा तो पसीने भरी थकान में है, रोटी का मजा तो पसीने भरी थकान में है, और सारी नेमत अलामत तेरी पहचान में है, और आईने का वजूद तेरा इसी जहान में है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर जी जी, बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया पिताजी की गजल पढ़ने के लिए भूपेंद्र जी। जी बहुत, ये मेरा मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य का समय है जो आपने मुझे ये मौका दिया। इतनी खूबसूरत, इतनी, एक तो आपने धारदार कहा है, लेकिन संवेदना जो थी उनके कलाम में जी, जो उनके कलाम में जो जो सटलनेस जिसको मैं कह सकता हूँ, बारीकियां, जो बारीकियां थी, बारीक बारीक एक्सप्रेशन में, वो बहुत गूढ़ बात कह देते थे। ये था, मुझे तो ऐसा लगता, बिल्कुल, यानी कि किसी की, मुझे कुछ एक कोट याद आता है किसी लेखक का, बहुत मशहूर लेखक रहे हैं, उन्होंने कहा कि इट इज वेरी
easy to write difficult words. It is very easy to write difficult words, but it is very difficult to write easy words and expressions. बहुत अच्छा. जो सादगी, जो जुबान में सादगी और गहराई और डेप्थ हो, तो वो तो असली सृजन वही है और उसकी महानता अपने में खुद में दिख जाती है. जी नेता जी, बिल्कुल रिश्तों का संवाद है. मैं आपके बीच में ज्यादा आऊंगा नहीं. आप हमें ले चलिए, जब आप बड़ी हो गई, आपका आप पूरा अपने, जिसको कहते हैं ना, आपने जैसे हमारा कोसे कजा, जैसे रेनबो रेनबो टाइम होता है, जवानी का टाइम जी, जिसमें सात रंग सामने होते हैं, तो उसमें उसके अंदर मैं, आप हमें ले जाइए और उसमें हमें बताइए कि वहां जाके आपने क्या क्या फर्क पाया बाबा में, आपको और आपकी कविताओं को और आपके साहित्य को लेके, और कैसे उत्थान हुआ. जी तो मतलब जवानी तो मीन्स जो मेरा जो मेरी जो युवावस्था थी वो मेरी 20 साल में शादी हो गई थी. तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से मैं उसके बाद थोड़ी सी मेरा विकास होना शुरू हुआ, क्योंकि तब तक मैं थोड़ा बच्ची थी, पढ़ते पढ़ते ही शादी हो गई थी, ग्रेजुएशन के बाद ही हो गई थी. तो एक वाक्य है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ. तो काफी लोगों ने तारीफ करी है, मैं सबको थोड़ा धन्यवाद बोल दूं, पिताजी की लेखनी के लिए तारीफ बोल करी है, अनुराधा जी ने, सीमा गुप्ता जी ने, भूदत शर्मा जी तो लगातार उनकी कविताएं भी शेयर करते जा रहे हैं, सविता सिंह जी, राहुल मिश्रा जी, निमिषा सिंगल जी, नवीन कुमार घोषाल, मेरे बड़े भाई जो खुद अमर उजाला में बहुत दिन तक उन्होंने काम किया और खुद बहुत अच्छा लिखते हैं मेरे बड़े भाई, वो भी जुड़े हुए हैं, ऋचा प्रियदर्शनी जी, कल्पना पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सविता सिंह जी. जी मैं भी सब श्रोताओं को धन्यवाद करता हूँ, खास करके भूदत शर्मा जी को और आपके भाई साहब जो नवीन घोषाल जी हैं, उनको जी. उनका भी स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको भी, धन्यवाद जी. तो एक वाक्य था जो हमारा एक जोनल ट्रेनिंग सेंटर है गुड़गांव में LIC ऑफ इंडिया का, तो मैं हम लोगों की ना ट्रेनिंग्स वहीं होती थी. तो एक बार क्या हुआ कि ट्रेनिंग थी, मैं छुट्टी भी नहीं ले पाई थी, पिताजी आए हुए थे, तो उन्होंने बोला, वो उनको यही होता था कि जब भी आते थे वो ज्यादा से ज्यादा समय मेरे साथ ही गुजारना चाहते थे, क्योंकि एक था हमारा रिश्ता कुछ अलग ही था. तो फिर वो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम जा रही हो अब ट्रेनिंग पे, वो तो तुम मिस नहीं कर सकती, तुम एक काम करो, अपनी जो कविता की किताब है वो तुम मेरे पास रख करके जाओ, और मैंने तुम्हारी बहुत सारी कविताएं पढ़ी नहीं है. तो क्योंकि मैंने पिताजी के साथ बचपन से ही उनसे ही तो कविताएं वगैरह सब शेयर करती थी, तो मेरे को कभी नहीं लगता था, मैं धड़ल्ले से उनको दे देती थी कविता की किताब. मैंने कहा हाँ, ये जो कविता की डायरी है इसमें आपने बहुत सारी कविताएं नहीं पढ़ी है, वो आप पढ़ लीजिए. और फिर मैंने उनको दिया और वो वही जोनल ट्रेनिंग सेंटर में बाहर जो उनका गार्डन था वहां पे बैठ के उन्होंने उतने पूरा 3-4 घंटे में वो किताब पढ़ी जब तक मेरा ट्रेनिंग चल रहा था, और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए. फिर उन्होंने पढ़ करके वो डायरी मुझे दे दी. और फिर जब मेरे पिताजी गुजर गए तो मैं एक बार अपनी पुरानी डायरी देख रही थी, और फिर मैंने देखा कि मेरे पिताजी ने, मैंने एक कविता लिखी थी उस डायरी में, डायरी के पीछे की तरफ काफी निराशाजनक कविता थी वो, और उन्होंने उस कविता के साथ अपनी एक कविता और लिखी है और उस पे सिग्नेचर की. तो मतलब एक तो उनके जाने का दुख इतना था, मैं इतना रोई हूं उस कविता को पढ़ करके कि मेरे पिता ने बताया भी नहीं कि उन्होंने वो कविता लिखी, लेकिन उन्होंने एक पिता के हैसियत से मेरी जो कविता मैंने लिखी थी उस कविता का जवाब दिया उन्होंने अपनी कविता में, और मुझे नहीं बताया, और मैंने अचानक देखी वो कविता. आप पढ़ना चाहेंगे वो दोनों कविताएं, आपकी भी और पिताजी की भी? जी, मेरी नहीं पढ़ना चाहूंगी, मेरी तो काफी ज्यादा ही बहुत ज्यादा निराशाजनक है, तो
मैं इतनी निराशा में ना तो श्रोताओं को ले जाना चाहती हूँ, पर हाँ मैं पिताजी की कविता पढ़ना चाहूंगी। जी तो ये 1 फरवरी 2000 में लिखी थी मेरे पिताजी ने, तब मेरी कविता पढ़ी और 2000 में उन्होंने अपनी कविता लिखी, 1 फरवरी 2000। सुने जी। और ये कविता मैंने उनके जाने के बाद, उनकी डेथ हुई है 2017 में, सोची इस कविता के लिखे जाने के 17 साल बाद मेरे नजर में ये वाली कविता है, क्योंकि पुरानी डायरिया कौन देखता है, हम लोग तो आगे बढ़ते जाते हैं लाइफ में, फिर मैं नौकरी भी करती थी, इतनी टाइम नहीं मिलता था। हाँ, फिर फोन का जमाना भी आ गया था। जी, एक लंबे अंतराल के बाद तुम्हारी रचनाएं पढ़ता गया, लगा कि ये बूढ़ा संपूर्ण इतिहास दोहरा गया। बिखरे पन्नों में ढूंढता रहा, बिखरे पन्नों में ढूंढता रहा विचारों की सशक्त अभिव्यक्ति और जीवन की मार्मिक व्यथा कथा, और आज सामने उभर आया अतीत, जब बिटिया ने लांघी थी आंगन की दहलीज, और आज सामने उभर आया अतीत, जब बिटिया ने लांघी थी आंगन की दहलीज, ये समाज की व्यवस्था या पिता की विवशता या किसी विलेन की भांति ढहा दिए थे सपनों के घरौंदे, छीन लिए थे बच्चों के खिलौने, और आज उम्र की सांझ बेला में अपने द्वार निर्मित स्वयं की ही निर्देशित एक फिल्म सजाकर प्रतिक्रियाओं की अवहेलना कर कमरे के कोने में बैठा निहार रहा हूं, कितना निरीह, कितना बेचारा, किं कर्तव्य विमूढ़ सा, केवल जान पाया एक सीमित दायरे में विवशताएं जीवंत थी, विवशताएं आदि थी, विवशताएं अंत थी। ये उन्होंने और कितनी कितना मर्म था इसमें, और कितनी कितना पेथोस था उनके, मुझे लगता आपका भी गला भर गया कहीं बीच में पढ़ते पढ़ते। तो ये यही इम्पैक्ट है हमारे कविताओं का हम पे, नहीं तो क्या है, नहीं तो कोई लिख गया कुछ, दो चार लाइनें कहीं लिख गया, लेकिन जो उसका इनका इम्पैक्ट होता है उसी के लिए तो हम लिखते हैं, उसी के लिए हम जीते हैं, और उसी के साथ हम रहते हैं इस जीवन में भी और जीवन के बाद भी। निवेदिता जी, मुझे आपसे आगे के लिए आप क्या समझती हैं, मुझे लगता है कि मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूं उस बारे में, और आपने उस बारे में कदम भी उठाए हैं, आपने आप उस तरफ उस दिशा में चल भी रही हैं जिस दिशा में अभी अनुगूंज हमारा स्थापना हुआ और आगे बढ़ रहा है जी। तो मैं समझता हूँ ये आपके स्वर्गीय पिताजी के लिए एक सबसे बड़ा ट्रिब्यूट यही है जी। अगर उनको कोई कोई भी सुमन किसी भी रूप में श्रद्धा सुमन अर्पित करने हो तो उनका सबसे बड़ा एक तरीका ये है जी। आपकी नजर में जी आगे आने वाले समय में जी आगे आने वाले समय में आपकी नजर में क्या ऐसा अल्टीमेट ट्रिब्यूट रहेगा जो आपकी तरफ से अपने पिताजी को आप दे पाए? मेरे पिताजी के बहुत सारा उनका वर्क है जो कि प्रकाशित नहीं हुआ अभी तक, लोगों को मेरे पिताजी की लेखनी के बारे में पता ही नहीं है। जो संवेदना के स्वर उन्होंने एक किताब इन्होंने छपवाई थी अपने आप, ये है, लेकिन ये भी जैसे अमेजोन में कहीं उपलब्ध नहीं है, ISBN नंबर पे नहीं थी ये किताब, जैसे किताब छपती है वैसे छपवा दी थी उन्होंने, लोगों ने उनका लिखा हुआ पढ़ा ही नहीं है, तब फेसबुक पे नहीं था, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो मेरे पिताजी थे, लेकिन वो इतने अच्छे शायर, इतने अच्छे कवि थे, तो उनके उनका वर्क दुनिया के सामने आना चाहिए, तो उस दिशा में मुझे बहुत काम करना है, और मैं भगवान से चाहती हूँ उससे पहले मैं ना मर जाऊं, तो मुझे इसलिए जिंदा रहना है और उनके उनके लिए काम करना है जी। जी बेशक, आपको ईश्वर प्रभु अगर वो सुन रहे होंगे अभी तो मुझे लगता है कि वो जरूर आपको इस काम में आपको पूरी मोहलत देंगे और पूरा ये काम अंजाम देने में आपको आपका साहस भी बढ़ाएंगे आपका, और आपके साथ भी वो शक्ति, दैवी शक्ति रहेगी खुद।
क्योंकि नीति जो है, नियत जो है, वो आपकी एक कंस्ट्रक्टिव नियत है, तो ये मैं मानता हूं और मुझे लगता है श्रोता भी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि उस जिस जब आपकी नियत साफ हो और आपका काम जो है कंस्ट्रक्टिव हो, तो सारी दैवी शक्तियां जो है उसमें जुट जाती हैं कि वो आपको उसका जो है उसका अमली जामा पहनाने के लिए और उसका वो अनावरण तक ले जाने के लिए इन जी इन एहसासों का। प्रोग्राम जैसे कि जो भी चीज शुरू होती है उसका अंत तो होना ही है, तो अभी हमारे पास 7 से 10 मिनट बचे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप फिर बाबा की कुछ कविताएं और अपनी कुछ कविताएं, देखिए उसमें निराशा और आशा की, निराशा भी एक वो आपने पहले कहा ना, तो जी निराशा भी एक इमोशन है, तो जी वो आता है। खैर जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको ठीक लगे, आप कुछ और सुना दीजिए। तो हाँ सुनाते हैं। आपके पिताजी की पसंदीदा कविता है कोई चीज, कोई ऐसी चीज सुनाइए। जी बिल्कुल। तो जो मेरे पिताजी की एक कविता सुना रही हूँ मैं। जी बिल्कुल स्वागत है। एक मतलब ये भी बहुत जीवन दर्शन को लिए हुए कविता है। मेरे पिताजी को बहुत पसंद थी ये, उनकी लिखी हुई कविता है। महाभारत के पहले भी एक महाभारत होता है, जब मनुष्य कभी हंसता है कभी रोता है। कितना निरीह होता है मन, कितने कष्टकर होते हैं वे क्षण, जब आग और पानी के मध्य किसी एक को, केवल एक को चुनना होता है। और केवल स्वयं को नहीं अपितु तो संपूर्ण परिवेश को उसके निमित्त बुनना होता है। आग आग होती है, बहुत लकड़ियां बहुत गीली हो तो, आग आग होती है, लकड़ियां गीली हो तो आग लगाए नहीं लगती। वातावरण सूखा हो तो आग बुझाए नहीं बुझती। संपूर्ण अस्तित्व को निगल जाती है, काया ही नहीं परछाई पिघल जाती है। अवशेष रहती है केवल राख, आग होती है नृशंस आग। पानी जीवन है, परंतु जीवन अकेले नहीं जिया जाता है, ये तो बांट बांट कर पिया जाता है। कुछ पाने वाह के लिए कुछ खोया जाता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोया जाता है। अपनी साख को, अहम को धोया जाता है। जीवन कई खंडों में बढ़ जाता है, कुछ बढ़ता है और कुछ घट जाता है। पानी केवल पानी है, ना केवल अहम पानी पानी होता है, सारी प्रतिष्ठा मर्यादा भी पानी पानी होती है। सारी क्या बात साख बह जाती है, सारी सत्ता ढह जाती है। अपनी परछाई भी स्वयं को नहीं पहचानती, जो वर्षों की जानी पहचानी होती है। कितना निरीह होता है मन, कितने कष्टकर होते हैं वे क्षण, जब आग और पानी के मध्य निर्णय लेना होता है कठिन। ये महाभारत का उन्होंने उद्धरण दिया है इस कविता में, लेकिन ये कविता हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल संपूर्ण विवेक बाण साधे रण क्षेत्र में आ खड़ा होता है। स्नेह प्रेम सद्भाव के संबंधों का रथ हिनहिनाते घोड़ों के साथ मार्ग में अड़ा होता है। इन घोड़ों की हिनहिनाहट जैसे हो प्रलय के आगमन की आहट, या काल की निकटता का संदेश। भयावह हो जाता है परिवेश, हृदय अंतर्ध्वनि से हो जाता कंपित, इंद्रियां शंख ध्वनि से हो जाती निनादित। इन नाद निनादों से सोया विवेक जाग जाता है, बारंबार पानी पीता है, आग खाता है। सहज नहीं होता यारों, एक ही काया को दो दो जामे पहनाना। व्यक्तित्व को व्यक्तित्व से ढकना, बहानों पर बहानों का बुने जाना। ताना बाना पहाड़ी नदी के तल से सुंदर चमकीले पत्थर उठाना, अगले सुंदर पत्थर की ललक में बढ़ते ही जाना। एक एक पत्थर उठाना और फेंकना, एक एक पत्थर से छुटकारा पाना। अंत में व्यक्ति नदी के पार हो जाता है, किनारे खड़ा अपने हाथों को खाली ही पाता है। असमंजस में बंधे होते हैं वह पल, जब मनुष्य कुछ पाने को, अपना कुछ खोने को विवशता से, निष्क्रियता से होता है बेकल। कितना निरीह होता है मन, कितने कसमसाहट बिल्कुल भरे होते हैं क्षण, जब आग और पानी के मध्य एक महाभारत होता है। जब मनुष्य कभी हंसता है कभी रोता है, जब मनुष्य कभी हंसता है कभी रोता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, क्या कहें इनका। इन उन्होंने जो महाभारत में जो प्रतिभा
प्रस्तुतिकरण जो महाभारत को रिलेट किया हमारी जिंदगानी से, जीवन से, जी और एक आम आदमी की, और बहुत ही यानी कि जमीनी सतह की कविता है। और आप कमेंट्स अगर देखें तो उसमें, क्योंकि मैं तो देखने, बहुत, मैं हाँ बहुत बहुत माफी चाहता हूँ सब श्रोताओं को। तो भूधर शर्मा जी भी तारीफ करे, सीमा गुप्ता जी ने तारीफ करी है, अंजू कपूर गांधी जी ने अद्भुत बोला है, रेखा डोलिया जी ने तारीफ करी है, राहुल मिश्रा जी सच फिलोसफी लिख रहे हैं, और नवीन कुमार घोषाल जी तारीफ करे, अंजू कपूर गांधी जी ने तारीफ करी है, नीरू मेहता जी बहुत ही सुंदर भावनापूर्ण, सरोजनी कौशिक जी वो भी तारीफ कर रही हैं, अद्भुत बोल रही हैं, रेखा डोलिया जी, ऋचा प्रियदर्शनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सबका, साधना हरीश जी, पूनम शर्मा जी, बहुत बहुत आभार आप सबका जी भूपेंद्र जी। जी और आपने जो एक एक हमें आपसे भी कविता सुननी है, कोई जो आपने ऐसे एक ट्रिब्यूट के नाते आपने अपने पिताजी के लिए लिखी हो, वो भी सुना दीजिए। आप आज आज कुछ जी, आप हिचकिचा रहे हो अपना सुनाने से, नहीं पता नहीं 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 सुना रही क्यों। हूँ मैं आपको। तो मेरे पिताजी जब गुजर गए, और तो मेरे पिताजी मुझे बिटिया करके बुलाते थे, तो बहुत दिन जी तक मैंने सिर्फ वो जो मेरे को बोलते थे बिटिया, और कुछ लिखा क्या, तो मैं इस चीज को ही याद करके बहुत दिन तक ही उनको याद करती रही कि ऐसे करके मेरे से कोई नहीं बात करता, ऐसे करके ये जो संबोधन है ये मुझे कोई नहीं देता। ये कविता मैं आपको सुनाऊंगी, उससे पहले मैं एक, जब मेरे पिताजी को कैंसर हुआ था, और क्योंकि हर हर पिता का जो हर पिताजी हर बच्चे के लिए एक मार्गदर्शन देते हैं, और एक बच्चा जब घुटने घुटने चलता है और उंगली पकड़ के अपने पिता का ही चलना सीखता है, और वो पिता जब बूढ़ा हो जाता है, और वो जो बूढ़ा इंसान जब वो पिता बूढ़ा हो जाता है, जिसने आपको आपके बचपन में सहारा दिया, और उनको छड़ी पकड़ कर चलना पड़ता है, आप उनको सहारा दे रहे होते हो, तो उनके ऊपर क्या जी बीत रही होती है और हमारे ऊपर क्या बीत रही होती है। तो इस चीज पर एक कविता लिखी थी मैंने, बुढ़ापा बाबा का, जी शायद तुम्हें नहीं देख, तो बाबा मेरे पास थे तो ये कविता तब लिखी थी, शायद तुम्हें नहीं देखती नजदीक से तो बुढ़ापा कभी समझ ना आता मुझे, शायद तुम्हें नहीं देखती नजदीक से तो बुढ़ापा कभी समझ ना आता मुझे, वही वाह स्वाभिमान, वही स्वाभिमान, वही सब कर गुजरने का हठ, मन वही खड़ा होता है आयु के युवा पड़ाव पर शरीर दिन पर दिन टूटता ही जाता है, मन स्वीकारता ही नहीं टूटेपन को, आज्ञा कैसे माने अनुसरण को, मन स्वीकारता ही वाह नहीं टूटेपन को, आज्ञा कैसे माने अनुसरण को, क्यों विवश हो जाती है आयु, क्यों मार देना पड़ता है मन को, मन कहता है छड़ी को छोड़ दो, शरीर छड़ी को नहीं छोड़ पाता, मन कहता है फिर से उड़ान भरो, शरीर एक कदम नहीं बढ़ पाता, निर्णय का अधिकार वही रहता है पर निर्णय की सीमा बाकी सब निर्धारित करते हैं, मन किसी सीमा को मानता ही नहीं, शरीर को अनदेखा कर मस्त चलता है, बुढ़ापा तोड़ देता है सब कुछ, केवल शरीर को नहीं मन को भी कहीं चुपके से, केवल शरीर को ही नहीं मन को भी कभी कहीं चुपके से। जी, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इतना और आपने खूब जी, स्वागत है। ये एक अंतिम कविता सुना रही हूं मैं बाबा के ऊपर जो लिखी थी, जो बिटिया संबोधन को जो मैं मिस कर रही थी तब लिखी थी, बाबा बहुत दिन हुए सुना नहीं बिटिया, बस तुम ही बुलाते थे ऐसे, बहुत दिन हुए सुना नहीं बिटिया, बस तुम ही बुलाते थे ऐसे, तुम बस बुलाते और मेरे आसपास दुलार का उपवन महकने लगता, ये तुम्हारा संबोधन नहीं स्नेह था, आशीष था, एक संबल था, और मैं फिर तैयार हो जाती हर युद्ध के लिए, तुम्हारी बिटिया बाबा जिसको सिखा दिया तुमने रीढ़ की हड्डी सीधा करके खड़ा होना, बिना किसी को क्या छोटा किए बड़ा होना, बिना किसी को क्या, छोटा किए बड़ा। बहुत खूबसूरत, जी बहुत ही खूबसूरत, जी बहुत बहुत ही धन्यवाद, खूबसूरत। बहुत आभार। तो मुझे उम्मीद है, आशा है पूरे श्रोताओं को आज
हमारे अनुगूंज के पेट्रन संरक्षक स्वर्गीय श्री मानी कुशाल जी की कुछ कुछ उनके व्यक्तित्व की अलामतें, कुछ कुछ उनसे ज्ञान हुआ होगा। और बहुत मेरे को तो बहुत आनंद आया आपके साथ, ये 1 घंटा आपके साथ पता ही नहीं लगा कैसे समय गुजर गया। वैसा उनका व्यक्तित्व और वैसी उनकी आपने जो कुछ कुछ अपना सुनाया ट्रिब्यूट के तौर पे उनके लिए जी। और मैं विशेष धन्यवाद आपका भी देना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे को आइडिया नहीं था कि रिश्तों की बात अनुगुंज के साथ मैं खुद से और पिताजी से शुरू करूंगी। तो आपका भी धन्यवाद और एक निशीष जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, उन्होंने भी ये जो अक्रॉस जनरेशंस वाला आइडिया दिया मुझे, बहुत अच्छा था। और आप दोनों का बहुत आभार कि आप लोगों ने हमसे शुरू कराया ये वाला रिश्तों की बात अनुपुंज के साथ। और मेरे ख्याल से सारे श्रोताओं को, सब दर्शकों को भी हमारे इस कार्यक्रम का थोड़ा सा झलक आज मिली होगी कि हमारा ये कार्यक्रम कैसे करके आयोजित करने वाले हैं भविष्य में। तो आप लोग अपने नॉमिनेशन भेज सकते हैं हमको, जो भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जी भूपेंद्र जी, मैं आपकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने अवसर दिया आज इस प्रोग्राम में जुड़ने का आपके साथ। और स्वर्गीय श्री माने गोशाल जी की के 2 शेरों के साथ हम विदा लेते हैं। उनका उनके जो ये 2 शेर हैं, एक तो मतला है, दूसरा मक्ता है जी। तो वो मुझे लगता है कि उसमें पूरा पूरा जो है वो पूरा दर्शन है। वो कहते हैं, अब पंख न कतरो, अब पंख न कतरो, कफस का शुमार जर में है। पंख न कतरो, कफस का शुमार जर में है, मंजिल की बात करेगा अभी सफर में। बहुत बढ़िया। अब पंख न कतरो, कफस का शुमार जर में है, मंजिल की बात करेगा अभी सफर में है। और मक्ता वो कहते हैं कि यूं तो तय हो जाएगा ये सफर माणिक, यूं तो तय हो जाएगा ये सफर माणिक, मगर मंजिल का पता नहीं किस शहर में है, मंजिल का पता नहीं किस शहर में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी, और श्रोताओं को बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना समय, कीमती समय दिया और इस प्रोग्राम को आगे भी अपना स्नेह, अपना प्यार और अपनी पार्टिसिपेशन देते रहिए जी। आप कुछ कहना चाहते हैं जी? सब श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक भी जुड़े हुए हैं, और मैं सब लोगों को, हम लोग सबके मैं कमेंट्स पढ़ के जरूर रिप्लाई करूंगी, सबको उत्तर जरूर दूंगी, और अभी तो नहीं, सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पाई हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत आभार जी भूपेन जी, बहुत आभार जी, धन्यवाद और शुभ संध्या सबको, प्रणाम प्रणाम। कल से हमारा, एक मिनट भूपेन जी, कल से हमारा वार्षिकोत्सव शुरू हो रहा है, और कल से लगातार 14 दिन तक हमारे कार्यक्रम है, रोज शाम को 7 बजे आप लोग जरूर अनुगुंज पेज पर जरूर जुड़े, आपका बहुत एंटरटेनमेंट होने वाला है, बहुत मनोरंजन होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।